नमस्कार, मेरा नाम है जीत शर्मा। मैं हूँ छत्तीसगढ़ी भोजपुरी फिल्म का कलाकार। आज मैं आपके सामने इसलिए लाया हुआ हूँ कि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था कि जागरूक होइए, घर में रहिए, बाहर मत जाइए। इवन सब ने डाला, सब कलाकार, पीएम जी ने, बड़े से बड़े नेताओं ने, हर किसी ने ये सलाह दी हमको कि आप घर के अंदर रहिए, बाहर मत जाइए। मगर आज की मैं घटना बता रहा हूँ, मेरे को नहीं लगता कि लॉकडाउन से हमारे भारत वालों को कुछ फ़र्क पड़ रहा है। क्या हो रहा है कि आज हमारी कॉलोनी में एक दूध बेचने वाला है, दूध बेचने, वो भी मतलब ऐसा आया कि उसने 30 रुपये किलो बेच रहा था। तो 30 रुपये किलो का नाम सुनते ही हमारे कॉलोनी वाले तो ऐसे भागे, डब्बे अब्बे उठा करके, और वहाँ पे इतनी भीड़ हो गई, लाइन लगा ली, मतलब ऐसा लाइन तो नहीं, सब एक के ऊपर एक चढ़ रहे थे, पहले मैं। उनको कोरोना का डर नहीं था, उनको सिर्फ 20 रुपये बच रहे, 30 रुपये बच रहे हैं, उनका वो चिंता हो रही थी कि भैया ले ले, पहले हमको तो मिल जाए, बाकी तो बाहर में जाए। तो ऐसे लोग जो लॉकडाउन तोड़ रहे हैं, इनकी बेवकूफ़ी के कारण पूरे के पूरे भारतवासी ये सिर्फ तकलीफ झेलेंगे। इन चूतियों को 100 बार चाहे बड़े से बड़े पीएम रात दिन अपना सर फोड़ फोड़ के बताएगा ना कि प्लीज़ मत निकलिए, भीड़ वाले इलाके में मत जाइए, लोग तो खुद भीड़ करने पहुंच जाते हैं। इन चूतियों को कभी समझ नहीं आएगा, कितना भी समझा लो। देख के मैं वीडियो नहीं बनाया, भगवान कसम, बहुत दूर थे उन लोग, मगर जाने का मन नहीं किया कि वीडियो बना के आ जाओ। मगर अभी भी उन लोग मेरे साथ फ्रेंड लिस्ट में भी हैं, उनको बोलूँगा प्लीज़ समझाइए अपने बच्चों को, अपनी महिलाओं को, जो बुजुर्ग खुद वहाँ जाके खड़े हो तो खुद समझिए गलती कर रहे हैं, और ये गलती बहुत भारी पड़ेगी, पूरी कॉलोनी पे भारी पड़ेगी। क्या 20-30 रुपये दूध बचा कर क्या लेंगे आप? साला क्या बैंक अकाउंट में चला जाएगा? कोई कितना भी समझा ले, हमारे भारत वालों को समझ नहीं आया। हम अपना काम धंधा छोड़ कर घर के अंदर बैठे हैं, कहीं जा भी रहे तो इतना डिस्टेंस रख रहे हैं कि भैया कि आप एक मीटर की दूरी बना के रखें। अभी भी वहाँ दूध वाला आया था, लोग हक बनता है, सस्ता आ रहा है, लोग उसमें एक चीज़ तो कर सकते हैं कि आप जब दूध वाले ने रखा, एक गोला बना लेते, दूसरा गोला बना लेते, एक एक मीटर की दूरी बना लेते, एक एक करके ले लेते, नहीं पहले मैं। बहुत जल्दी कोरोना भी पहले आपको ही मिलेगा, बहुत अच्छा कर रहे हैं, और पहले आपके चक्कर में फिर हमारे को भी आएगा। ये गलतियाँ मत करिए। उसमें से खास तो मेरे भी बहुत अच्छे दोस्त थे, अब उनको मैं पर्टिकुलर जा के समझाने से अच्छा है कि एक बार वो लाइव भी देख लें तो उनको समझ आ जाए। कुछ नहीं हो सकता इस बार, इन लोग को ना समझ नहीं आ रहा है कि क्या खतरनाक बीमारी है ये, कितनी महामारी जो फैल रही है, क्या तकलीफ़ हो सकती है। जो आंकड़े बताए जा रहे हैं, रोज़ रोज़ इतने आंकड़े बढ़ रहे हैं, 100-100 डेली अब बढ़ने लगे हैं। लॉकडाउन रहिए ना, घर पर रहिए ना, आराम करिए ना, टीवी देखिए ना, मनोरंजन करिए, बच्चों से खेलिए ना। समझ नहीं आ रहा है। अरे दूध वाला आपके यहाँ जो देने आ रहा है 65 रुपये लीटर दे रहा, तो लो ना यार, 30-25-30 रुपये ऊपर ले भी रहा है तो आ तो रहा है तुम्हारे घर पर देने के लिए। सिर्फ आ गया, उसने ले लिया तो पटाख से चलो भाई, हो गया, नहीं सुधरोगे तुम कभी, नहीं सुधरोगे। मैं प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, मत निकलिए, कुछ दिन और मत निकलिए, कहीं मत जाइए। और प्लीज़ ऐसे कोई सस्ते की लालच दे, अगर लेने जा रहे हैं तो एक एक मीटर की दूरी बनाइए, दूर रहिए, दूर से लीजिए, अपने आप को बचाइए, अपने बच्चों को बचाइए, पूरे कॉलोनी को बचाइए, पूरे परिवार वालों को बचाइए। आप अपने ध्यान रखिए, सिर्फ 20-30 रुपये की जो लालच हमको दिखती है ना, ये हमारे भारत का दुर्भाग्य है कि जहाँ सस्ता दिखता नहीं वहाँ पे हम लोग पहले भगते हैं कि नहीं हम लोग 20-30 रुपये बचा रहे ना। अरे 20-30 रुपये बचा रहे हो, लाखों रुपए की जान गंवा रहे हो। प्लीज़ समझिए, घर पे रहिए, आराम से रहिए। कुछ दिन बाद जितना दूध चाहिए होगा ना तो मेरे यहाँ से ले जाना भाई, मैं आपको उतने पैसे दे दूँगा, 20-30 रुपये एक्स्ट्रा बचा कर। अरे तुम्हारे चक्कर में ना हम लोग सब मर जाएंगे। चलिए, हो सके तो ये वीडियो शेयर करिएगा आगे, सबको पहुँचे, ऐसी गलतियाँ ना करें। कहीं अगर कोई आता है, सब्जी वाला भी आता है, जहाँ पे अगर वो बोलेगा मैं बहुत सस्ते में बेच रहा हूँ या दे रहा हूँ, तो उस लालच में अगर आप जा रहे हैं लेने तो एक एक मीटर की दूरी बनाइए, काफ़ी दूर रहिए, एक एक करके लीजिए। ऐसे नहीं पहले मैं करके कोई मतलब नहीं होने वाला। नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, फिर ले लेना। एक दिन में आप एक इतना भंडार नहीं भर के रख लेंगे घर पे कि नहीं आपका पूरा 21-22 दिन आपका चल जाएगा, एक एक महीने तक चल जाएगा। प्लीज़ सस्ते के लालच में आप अपनी करोड़ों रुपए की जान मत गवाइए, अपना ध्यान रखिए। मैं इससे ज़्यादा और कुछ बोल नहीं पाऊँगा, सब लोग सर बोल बोल के थक गए हैं, आपको अंदर रहिए,
आराम से रहिए, खुश रहिए, बच्चों का ध्यान दीजिए, अपना ध्यान दीजिए। जब तक आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं, जिस दिन बीमार पड़ेंगे कोई आपको पूछने नहीं आएगा। आज खुद देख रहे हैं, एक परिवार का कोई सदस्य अगर किसी इसी बीमारी से ग्रस्त होता है तो कोई उससे मिल भी नहीं पाता, दूर से ही देख सकता है। इवन देख रहे हैं कि भाई अगर कोई डेथ हो भी जा रही है तो उसका परिवार उससे ना अंतिम संस्कार कर सकता है, ना दफनाने जा सकता है, ना कुछ कर सकता है, दूर से ही देखा जा सकता है और उनको फेंका जा रहा है। वैसे ही आपका हाल होगा और आपके चक्कर में हम सबका हाल होगा। घर पे रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आराम से रहिए, फिर मिलके करेंगे ना पार्टी, जिस दिन सब ये महामारी ख़त्म हो जाएगी, नाचेंगे कूदेंगे बढ़िया। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा अपना।